नमस्कार, आप सभी का स्वागत इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत, यूपी विधानसभा की कार्यवाही तो शुरू हो गई। इस बीच खबर यह मिल रही है कि यूपी विधानसभा की कार्यवाही कल 12 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। अभिभाषण शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सपा और आरएलडी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। पोस्टर बैनर लेकर सपा विधायकों ने नारेबाजी की। सदन में राज्यपाल वापस जाओ के नारे तक लगा दिए। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ सपा विधायकों का हंगामा देखने को मिला। वेल में सपा आरएलडी विधायकों ने प्रदर्शन किया है। हंगामे के बीच भी राज्यपाल का अभिभाषण नहीं रुका। लगभग 1 घंटे 10 मिनट तक राज्यपाल का अभिभाषण चला है। सदन के बाहर से सदन के अंदर तक जमकर हंगामा और नारेबाजी विपक्ष ने की है। तो आज पहले दिन की जो कार्रवाई है, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद हंगामा हुआ और उसके बाद कल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब कल जब कार्रवाई शुरू होगी तो उसके बाद देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सरकार अपना कामकाज जो है वो सदन में करवा पाती है, क्योंकि विपक्ष ने आज पहले दिन ही अपने तेवर दिखा दिए हैं कि वो सरकार को लेकर किस तरीके से अपने मुद्दों को उठा रहे हैं। पहले दिन ही हंगामा किया। लगभग 1 घंटे 10 मिनट का राज्यपाल का जो अभिभाषण चला उसमें राज्यपाल रुकी नहीं, हंगामे के बीच भी उन्होंने पूरा किया। कौन कौन सी बातें कही उन्होंने? कहा यूपी में हवाई सेवा बेहतर करने पर जोर दिया। अभिभाषण की बड़ी बातें बता रहे हैं आपको। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर के सौंदर्यकरण तक का जिक्र उन्होंने किया। कोरोना काल में चीनी मिल बंद नहीं हुई। कोरोना काल में मुफ्त राशन दिया सरकार ने। सीएम आवास योजना के तहत गरीबों को आवास मिले। शिक्षा स्तर को बेहतर किया जा रहा है। यूपी में हवाई सेवा बेहतर करने पर जोर। यूपी डिफेंस कॉरिडोर पर तेजी से काम हो रहा है और 3 नई यूनिवर्सिटी पर भी काम चल रहा है। तो ये अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने अपनी बातें कही हैं। इसमें सीएम आवास का भी जिक्र है कि जो आवास लोगों को मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं। सीएम आवास योजना के तहत गरीबों को आवास मिल रहे हैं, क्योंकि हर किसी का सपना होता है अपना घर हो, लेकिन गरीब वो पूरा नहीं कर पाता है, उसे सरकार पूरा कर रही है। वहीं यूपी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई दी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। सभा का पहला अधिवेशन प्रारंभ होने जा रहा है। नई सरकार गठन होने के बाद ही यह 18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। नई विधानसभा के पहले सत्र में सभी निर्वाचित सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। प्रथम सत्र की शुरुआत प्रत्येक वर्ष महामहिम राज्यपाल जी के भाषण से होता है। आज समेत सदन को राज्यपाल महोदय का महत्वपूर्ण संबोधन प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश राज्य का 2022-23 का बजट भी इसी सत्र में आएगा। एक प्रकार से बजट सत्र है। 26 मई को प्रदेश सरकार अपना बजट विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। 25 करोड़ लोगों के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, समाज के प्रत्येक नागरिकों के हितों के लिए जो बजट यहाँ पर प्रस्तुत होगा, उस बजट में सभी माननीय सदस्य भाग लेंगे। देश के विकास के लिए, प्रदेश के गरीबों, किसानों, नौजवानों और आधी आबादी के हितों के लिए किसी भी प्रकार की कोई चर्चा परिचर्चा के लिए सरकार सदैव तैयार रहेगी। स्वाभाविक रूप से सभी सदस्यों को इस अवसर पर सदन में अपनी बात को रखने का मौका भी मिलेगा, लेकिन मान्य सदस्यगण अपनी बात को तभी सदन में रख पाएंगे जब उस प्रकार का माहौल सदन के अंदर विपक्ष बनाने में अपना योगदान देगा। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने और प्रत्येक मान्य सदस्य के द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे को एक सार्थक और सारगर्भित चर्चा के साथ ही उसका उत्तर देने के लिए भी पूरी तरह तैयार रहेगी। विधानसभा सत्र से पहले सपा ने अपने तेवर को साफ कर दिया। सत्र शुरू होने से पहले सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने कहा कि पार्टी महंगाई, कानून व्यवस्था और करप्शन को लेकर सदन में सरकार के खिलाफ संघर्ष करेगी।
तो विधानसभा सत्र का पहला दिन रहा और सपा ने अपने तेवर पहले ही दिन बता दिए कि किस तरीके से वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। सरकार बनने के बाद सत्र की शुरुआत तो हो गई और पहले ही दिन हंगामा भी किया। राज्यपाल ने सरकार के अभिभाषण किया, जो भाषण पढ़ा है वो कहा कि सरकार का है, वो उनका अभिभाषण नहीं है। तो आज से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू हो गया। तेल की बढ़ी कीमतों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ सपा के भदोही से विधायक जाहिद बेग साइकिल से विधानसभा पहुंचे। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए महंगा हो गया है डीजल पेट्रोल, तो हम गाड़ी से तो आ नहीं सकते, साइकिल ही बची है, तो साइकिल से विधायक जी पहुंच गए विधानसभा। सपा विधायक जाहिद बेग साइकिल से पहुंचे विधानसभा, महंगाई के खिलाफ हल्ला। समाजवादी पार्टी रामपुर में बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी सामने आई। खनन रोकने से नाराज बीजेपी नेता कैबरी थाने में घुस गए और पुलिस कर्मियों की पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज करके हालत को काबू में किया है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कई कार और हथियार जब्त किए। तो सामने आई नेताओं की गुंडागर्दी, ये जो जिन लोगों ने गुंडागर्दी की है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है पुलिस ने। आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि नेताओं की गुंडागर्दी किस हद तक पहुंच गई है। पुलिसकर्मी जो अपना काम करते हैं उनके थाने में घुस गए और उसके बाद पुलिसकर्मियों की ही पिटाई कर दी। अवैध खनन रोकने के विरोध में ये पिटाई की गई है। सरकार ये कहती है, सीएम ये कहती है अवैध खनन को रोका जाए, प्रशासन पर ठीक से कार्रवाई करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ नेता ये चाह रहे हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें नाम आ रहा है बीजेपी के नेताओं का कि ये जो बीजेपी के नेता हैं ये इसमें शामिल हैं। और उसके बाद पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार भी किया है और हथियार भी, जो हथियार लेकर लोग पहुंचे थे वो हथियार भी जब्त किए हैं, जिन गाड़ियों से पहुंचे थे कार वो भी जब्त कर ली है। ये पूरी खबर रामपुर की है। रामपुर में बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी सामने आ गई। दरअसल पुलिस लगातार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है क्योंकि सीएम ने आदेश दिए हैं कि अवैध खनन जहां पर हो रहा है उसके खिलाफ ठीक से कार्रवाई की जाए और उसी आदेश का अमली जमा पहनाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन कुछ लोगों को ये नागवार गुजर रहा है और वो इसका विरोध कर रहे हैं। रामपुर से फहीम खान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। फहीम, क्या है ये पूरा मामला, बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी का बताया जा रहा है? जी देखिए, जिस तरह से पुलिस की FIR को अगर हम गौर से पढ़ें तो उसको देख के लगता है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस तरह से बसपा के बड़े नेताओं ने थाने को घेर के और थाने के अंदर गाड़ियों को घुसेड़ कर पुलिस के साथ मारपीट की है, उसको देखते हुए ये बहुत गंभीर मामला लगता है। क्योंकि पुलिस का जो एक्शन है इस टाइम, खास तौर से पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला और अन्य अधिकारी जो हैं वो चाहते हैं कि जिले के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के अनुसार खनन बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। लेकिन खनन को लेकर जो भाजपा के नेता हैं वो लिप्त दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से अभी कुछ ही दिन पहले उसके भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं और विधायक हैं राजबाला, उनके रिश्तेदारों को, उनके गनर को, उनके जो गाड़ी के चालक थे उसको भी खनन के कारोबारियों ने बुरी तरह से मारपीट कर घायल किया था। तो ये खनन का जो खेल है इसमें लिप्त पाए दिखाई दे रहे हैं भाजपा के नेता। और तो खनन के इस खेल में सत्ता की हनक ज्यादा दिखाई दे रही है। पुलिस ने अब किस तरीके से कार्रवाई की, किन लोगों को गिरफ्तार किया है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल मैं वही बहुत बताने जा रहा हूँ आपको कि जिस तरह से इन्होंने विरोध किया कि हमें खनन करने दिया, पुलिस ने उससे इनकार किया। इनके अंदर बरचस की लड़ाई भी हुई, 2 गुटों का मामला था। थाने एक गुट को पकड़ के पुलिस लेके आई तो ये दूसरा गुट बदमाशी करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गुट था वो थाने पहुंचा और उन्होंने वहां खुलेआम तौर पे मारपीट शुरू कर दी उन लोगों के साथ। उसके बाद जब पुलिस ने रोकना चाहा तो पुलिस ने भी हमला किया और हमला करने के बाद में उनके साथ मारपीट की। मारपीट करने के साथ ही साथ उसके ऊपर रिवॉल्वर, दरोगा के ऊपर रिवॉल्वर तानने के बाद बिल्कुल ऐसे लोगों के खिलाफ तो लगातार कार्रवाई करनी चाहिए निष्पक्ष रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।
और अब वाराणसी से बड़ी खबर है, शिवलिंग पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील का बयान आया। वकील अभय यादव ने कुलपति तिवारी पर सवाल उठाए हैं। कुलपति तिवारी के वाजू खाने में शिवलिंग के दावों का बयान दिया है। शिव तो एक ही होगा, दो शिव कैसे हो जाएंगे? अब तक कुलपति तिवारी जिस शिव की पूजा कर रहे थे वो कौन है? इस तरह के दावों से वो लोग खुद को ही संदेह के घेरे में ला रहे हैं। आपको बता दें, लगातार इस मामले को लेकर बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन इस बार बयान दिया है अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील अभय नाथ यादव ने। कहा कि कुलपति तिवारी जिस शिव की पूजा कर रहे हैं, फिर वो कौन है? दो शिव कैसे हो सकते हैं? इस तरह के दावों से वो लोग खुद को ही संदेह के घेरे में ला रहे हैं। तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील हैं अब है, उन्होंने ये बातें कही हैं और कहा कि शिव तो एक ही है, तो फिर दो कैसे हो सकते हैं शिवलिंग? अब तक कुलपति तिवारी जिस शिव की पूजा कर रहे थे वो कौन है? उन्होंने सवाल उठाया। यहां तक उन्होंने कह दिया कि इस तरह के दावों से वो लोग खुद को ही संदेह के घेरे में ला रहे हैं। वकील अभय यादव ने कुलपति तिवारी के दावों पर सवाल उठाए हैं। शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, वीडियो जो वायरल हो रहा है उस पर उन्होंने बयान दिया और निशाना साधा। वजूखाने में शिवलिंग के दावों को लेकर बयान दिया है। शिव तो एक ही होगा, दो शिव कैसे हो सकते हैं? दरअसल वजूखाने में जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिखाया जा रहा है कि ये शिवलिंग है विश्वेश्वर नाथ, जिसका जिक्र किताबों में भी है, बाकी जगह पे दावे किए जा रहे हैं, उस पर वकील ने ये बयान दिया। एक तरीके से उन्होंने तंज भी कस दिया। बढ़ते अगली खबर की तरफ। ग्रेटर नोएडा के एनएच 91 दादरी कोट चौकी के पास सड़क हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि पांच से लेकर छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह हादसा उस समय हुआ जब वैन में सवार आठ लोग बुलंदशहर से गाजियाबाद जा रहे थे। उनकी गाड़ी जैसे ही दादरी कोट चौकी के पास पहुंची, उसी समय उसकी टक्कर रोडवेज की बस से हो गई। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। तो आज हादसे की खबरें ज्यादा आ रही है। इधर पूर्णिया में भी दर्दनाक हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लोहे की पाइपों से लदा ट्रक जिसमें करीब दर्जन भर से ज्यादा मजदूर सवार थे, जलालगढ़ क्षेत्र के कालीबंदर के पास पहुंची, गाड़ी पलट गई। ट्रक पलटने से सभी मजदूर ट्रक पर लदे पाइप के नीचे दब गए, जिसमें आठ मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायलों को जलालगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी से मलबे को हटाया गया। संभल में चौथे दिन अतिक्रमण अभियान जारी रहा। अभियान के तहत प्रशासन ने नखासा थाना क्षेत्र में हौज बदेसराय से सामने तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। यहां पर आम लोगों के साथ बड़ी संख्या में नेताओं ने अरबों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। इस मौके पर प्रशासन ने साफ किया है कि भू माफिया के खिलाफ गुंडा एक्ट एवं गैंगस्टर में कार्रवाई की जाएगी। संभल शहर की जो एक विनिमित क्षेत्र है, इसमें एक क्षेत्र है भदेसरा तालाब, ये एक पुराने जमाने से चला आ रहा एक जलमग्न क्षेत्र है।
जिसमें कुछ लोगों ने अवैध प्लॉटिंग की थी बिना नक्शा पास कराए, बिना उसको अप्रूव कराए, और उसी को आज ध्वस्त किया गया है। इसके साथ ही साथ आज संभल तहसील और चंदौसी तहसील में भी विभिन्न क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई दुकानें, मार्केट कॉम्प्लेक्स इत्यादियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। संभल शहर की तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद अब खबर संभल से है। संभल में खाकी का खौफ खत्म होता जा रहा है। दबंगों के बन में पुलिस का कितना खौफ है इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ गुंडे बीच सड़क पर युवक की पिटाई कर रहे हैं। ये वीडियो चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के माल गोदाम रोड का बताया जा रहा है। रोहतास के सलबा गांव के दो युवकों की आकाशीय बिजली गिरने से वो झुलस गए, इलाज के दौरान मौत हो गई उनकी। बताया जा रहा है कि हादसे के समय दोनों युवक बाजार से गांव लौट रहे थे, इसी दौरान तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली उनके ऊपर गिर गई। बरकाटा बाजार से वापस आ रहे थे घर, उसे बीच में वर्षा होने लगी, उसके बाद ऊपर से बजर गिरा और ये दोनों लड़का डेट कर गया। बरकाटा बाजार से वापस आ रहे थे घर, उसे बीच में वर्षा होने लगी, उसके बाद ऊपर से बजर गिरा और ये दोनों लड़का गया है मार्केट। साल में पहाड़ पर उघारे जाता है, बिजली गिर गया तो वहीं पर सलमा पहाड़ पर ही मौत हो गया। वही जी सलमा पहाड़ पर। कहाँ के रहने वाले हैं? सलमा पहाड़ पके रहने वाले। सलमे नामे है गांव। सलमे गांव के नामे है। कई लोग की मौत हुआ है? दो लोग के मौत हुआ। और अब बढ़ते अगले खबर की तरफ। हरिधाम सोखड़ा स्वामी नारायण मंदिर में धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में प्रबोध जन स्वामी गद्दी पर बैठे। इस मौके पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल सोखड़ा मंदिर गए और भगवान के दर्शन किए और प्रबोध जीवन स्वामी का आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड में इस बार ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर स्कूलों की छुट्टियों में परिवर्तन किया गया है। इसमें इस बार 31 मई तक स्कूलों को खोलने के आदेश दिए गए हैं। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस है और इस दिन सभी स्कूलों में कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक के छात्रों को तंबाकू निषेध की शपथ दिलाई जाएगी। निजी शिक्षा ने कहा है कि छात्रों में तंबाकू के प्रति जागरूकता बढ़ सके, वो इसका सेवन ना करें और दूसरों को भी सेवन ना करने के लिए प्रेरित करें। इसीलिए विभाग की तरफ से सभी छात्रों को तंबाकू निषेध दिवस पर शपथ दिलाने का काम किया जाएगा। देखिए 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस बार उसको पूरे भारतवर्ष में बृहद स्तर पर आयोजन उसका किया जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने सारे जो हमारे विद्यालय उनको खोलने का निर्णय लिया गया ताकि बच्चों को उस चीज़ के प्रति जागरूक किया जा सके कि जो हमारा तंबाकू उसका सेवन न करें, उसके संबंध में उनको शपथ भी दिलाई जाएगी। उसी के दृष्टिगत इसको खुले रखने का निर्णय। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशंस के तहत बाघों की गणना का काम प्रगति पर है। भारतीय वन्य जीव संस्थान के निर्देशन में बाघों की गणना का कार्य किया जा रहा है। बाघों के होने के चयनित स्थानों पर कैमरा ट्रैप कर इसके लिए डाटा एकत्रित किया गया है।
उत्तराखंड में सोमवार देर रात से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। मई की प्रचंड गर्मी के बीच पहाड़ों पर भी मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी ने दस्तक दी। इसके बाद तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, बारिश के चलते चारधाम यात्रा भी प्रभावित हुई है। हिमपात के साथ बारिश ने मौसम को सर्द कर दिया है। ये तीन जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हल्द्वानी की तस्वीर जहां झमाझम बारिश हुई, और मसूरी की तस्वीरें भी आप देखिए, यहाँ पर भी बारिश हुई है। पर्यटक जो जा रहे हैं, लुत्फ की भी बात है, गर्मी से राहत मिल गई, लेकिन थोड़ी सी परेशानी भी हो जाती है जब एकदम से बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है। कर्णप्रयाग की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, अलग जगहों की चारधाम यात्रा चल रही है। ऐसे में जो यात्री हैं उनको थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है। देवभूमि में गर्मी से राहत। पिछले कई दिनों से लोग प्रचंड गर्मी की वजह से परेशान थे, लेकिन अब गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली है। अचानक से मौसम बदला। वैसे भी मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि 23 और 24 तारीख को ऑरेंज अलर्ट भी किया गया था कि बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। तो जो अनुमान मौसम विभाग ने लगाया था लगभग वैसा ही हुआ। 23 तारीख की रात से ही शुरू हो गई बारिश, कहीं ओलावृष्टि, आंधी तूफान, और तीन अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हल्द्वानी में आप देख सकते हैं बारिश की बात, किस तरीके का माहौल है। मसूरी और कर्णप्रयाग। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर।